क्या है, क्यों शोर मचाया है? आराम से नहीं बैठ सकते हो? तुम तो पहले ही आराम से बैठे हुए हो, ज्यादा तंग किया ना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ अच्छा, मैं पट्टी खोल रही हूँ, लेकिन शोर नहीं करना। हाँ अब एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ मैं अभी लाती हूँ। ये ले। जज़ाकअल्लाह। मुझे सहरी के लिए कुछ मिल सकता है? मैं रोजा रखना चाहता हूँ। हमने आपको अगवा किया हुआ है और आपको रोजे की पड़ी हुई है। मेरा रोजा रखने से आपका क्या नुकसान? आपका तो फायदा ही है, मैं सारा दिन खामोश रहूंगा। देखिए अगर आपने मुझे अगवा किया है, मुझे खिलाएं पिलाएं, अगर मुझसे कुछ हासिल करना है तो, और रोजा तो वैसे भी जिस्म की जकात है और जकात देना जरूरी है। आप एक खजूर खिला देंगे मेरे लिए काफी है। मैं ला देती हूँ, लेकिन आप शोर मत कीजिएगा, मेरा बच्चा बीमार है, अगर उठ गया तो अच्छा नहीं हो। बंदे हाथों से कैसे खा सकता हूं? मैं खिला देती हूं आपको। बेटा देखो, मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, गलत है, तुम गलत कर रही हो। ना मैं ऐसा इंसान हूं, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, और ना मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे काम आ सके। और बेटा क्या तुम सहरी नहीं करोगी? अजान का वक्त हो गया है। आप प्लीज चुप हो जाए। क्यों आए हो? ठीक तो? मामा मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं करा जा रहा। अच्छा बेटा इधर आओ। मामा ये अंकल कौन है और इनको बांधा क्यों है? ये ममता भी क्या चीज होती है, माँ को झंझोड़ के रख देती है। देखो बेटा मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जल्द से दियाब कर देगा। माँ उसके यहाँ देर है अंधेर रहे। अल्लाह हम पे रहम करे। अंकल हम बुरे लोग नहीं हैं, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, बस यूं समझ लें कि हालात ने मजबूर कर दिया हमें ये कदम उठाने, पर ना हम ऐसे लोग नहीं हैं बिल्कुल भी। बेटा मैं
नमाज अदा करना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं भेज सकती यहाँ से। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ नमाज अदा करके मैं वापस आ जाऊँगा। मैंने आज तक फजर की नमाज जमात के बगैर नहीं पढ़ी है, मैंने आज तक वादा खिलाफी भी नहीं की है। एक बार मुझे जाने दे, मैं आपको आपके बच्चे का वास्ता देता हूँ। मुझे मुझे जाने दे, मैं नमाज मस्जिद में अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।